वरिष्ठ नेता और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके परिवार द्वारा उनके निधन की जानकारी दी गई है। बता दें कि शरद यादव 75 वर्ष के थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र है। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक बयान में कहा गया है कि शरद यादव को अचेत अवस्था में आपातकालीन वार्ड में लाया गया था। शरद यादव के निधन की खबर के बाद राजनीति के गलियारों में इस समय शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि शरद यादव देश की राजनीति में अपना एक अलग स्थान रखते थे। उन्होंने 3 बार जेडीयू के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली और उनका एक अलग ही रुतबा था। वे बिहार की मधेपुरा सीट से कई बार सांसद भी रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा। वह आज हमारे बीच नहीं रहे तो काफी दुख हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि शरद यादव जी ने अपना सम्मान कभी नहीं खोया, क्योंकि राजनीति में सम्मान खोना बहुत आसान होता है। बता दें कि वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार शरद यादव के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।